नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, कभी कभी आप लोगों के फोन कॉल्स आते हैं या व्हाट्सएप पे आपके मैसेज आते हैं, कभी कभी प्रसन्नता भी होती है और कभी कभी इस चीज़ का दुख भी होता है कि लोग भ्रांतियों से कितने भरे हुए हैं, अंधविश्वासों में कितने जकड़े हुए हैं। अब नवरात्रि का पर्व चल रहा है, बहुत लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि भाई आप गायत्री की साधना करना चाहते हैं, और जो प्रश्न आपके उमड़ते हैं तो हमको लगता है कि प्रश्न दूसरे के लोगों के अंदर भी इस प्रकार की शंकाएं होंगी, तो हम उस प्रकार से वीडियो बनाकर भी आप लोगों के सामने भेज रहे हैं। लेकिन इसके पश्चात भी कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं कि हमको भी बड़ा आश्चर्य होता है, तो उन चीज़ों से को लेकर भी फिर हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं ताकि सभी लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो जाए। जैसे अभी हमने एक वीडियो डाला है कि कुछ लोगों ने पूछा कि भाई दाढ़ी बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए, या कौन कौन से हमें पृथ्वी पर शयन क्यों करना चाहिए, यदि ब्रह्मचर्य से नहीं रहे तो क्या होगा, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं, उनके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बना करके डाल दिया। अब कई लोगों के इस प्रकार से मैसेज आ रहे हैं और कई लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हम अखंड दीपक जला सकते हैं क्या, या पूजा करते समय यदि हमारा दीपक बुझ गया तो क्या अनहोनी हो जाएगी, क्या उससे ये संकेत मिलता है कि हमारी जो पूजा हमने की है वो असफल हो गई है। कई प्रकार से लोग गूगल में जाते हैं और सर्च करते हैं और बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं जिसमें कई प्रकार की भ्रांतियों भरे वीडियो मिल जाते हैं, और उसमें कई चीज़ें मिलती हैं कि भाई आपका दीपक यदि जल गया बुझ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, या आप पूजा कर रहे हैं और कहीं आग लग गई तो अनर्थ हो जाएगा, या आप आरती कर रहे हैं और उस समय भी आपका हाथ से आरती की थाली छूट गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, यानी कि माँ जो है आपसे अप्रसन्न हो गई है, इस प्रकार की वो चीज़ें सुन लेते हैं और फिर उसके अंदर उनके अंदर एक बड़ा भय समा जाता है। तो ये सब चीज़ों के लेकर के लोग प्रश्न पूछते हैं। तो मित्रों, आप हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि जैसे आपकी छोटी सी बच्ची है और वो यदि किचन में उसकी माँ ने उसको खाना बनाने के लिए भेजा और अचानक यदि मान लो उसके कपड़े में आग लग जाती है, या उससे कोई दूध उठाते समय दूध गिर जाता, तो क्या उसकी माँ उसको मारती है, क्या उसको प्रेम से समझाती है, उसको सिखाती है धीरे 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 धीरे, बच्ची फिर जब सीखती है और बड़े होकर के जब अपने ससुराल जाती है तो उसकी अपनी माँ की सीखें उसको याद रहती है। इसी प्रकार से जब आप माँ गायत्री की गोदी में बैठते हैं, जब आप उसके आंचल में बैठते हैं, तो माँ आपसे क्यों नाराज़ होगी भाई कि आपका दीपक बुझ गया, मैं आपसे अप्रसन्न हो गई, अब आपने जो भी मेरी आराधना की वो आपका असफल हो गया। ईश्वर के पास में इतना समय नहीं होता है। ईश्वर जो है कभी किसी के लिए अशुभ बातें नहीं बोलता है, ना ईश्वर किसी के लिए श्राप देता है। ईश्वर के पास में इतना समय नहीं रहता है कि वो आपकी ये सब चीज़ें देखते फिरेगा कि आपने कौन सा मंत्र बोला, आप जब मंत्र बोल रहे थे तो आपने उसका उच्चारण किया कि नहीं किया ठीक से, आपको हमको पीले फूल चढ़ाने चाहिए तो आपने लाल क्यों चढ़ा दिए, आज आप प्रसाद चढ़ाना भूल गए, या आज आपने जो है तेल का दीपक जला दिया, घी का क्यों नहीं जलाया, ये सब चीज़ों के लिए भगवान के पास में समय। जब व्यक्ति
इन सब चीजों से नाराज नहीं होता। आपके घर में यदि कोई मेहमान आ गया और आपके घर में सब्जी नहीं, आपने बगैर सब्जी को उसको खाना खिला दिया, तो क्या मेहमान नाराज हो जाता है? वो परिस्थितियों को समझता है। तो ईश्वर भी हमारी सारी परिस्थितियों को समझता है, हमारी भावनाओं को समझता है। यदि आपकी भावनाएं सही हैं तो ये सब चीज़ें कहीं कोई मायने नहीं रखती। इसलिए आपको हम कुछ चीज़ बताने के लिए आए कि यदि आप पूजा कर रहे हैं तो सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। इस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए कि जब आप दीपक जला रहे हैं तो पहले दीपक की बाती को देख लें कि वो ठीक से पूरी है कि नहीं है, और उसमें आपने जो तेल या घी डाला है वह जितने समय तक आप बैठने वाले, एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, तो उस समय तक वो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। आसपास कोई कपड़ा तो नहीं है, या जब आप आरती करने के लिए जा रहे हैं उस समय कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप पूजा कर रहे हैं और आपके परिवार का कोई व्यक्ति आया और देखा कि पंखा नहीं चल रहा और उसने पंखा चालू कर दिया, आपका दीपक बुझ गया। ये अकारण हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप पूजन कर रहे हैं और अचानक कोई जीव जंतु उसके लौ के ऊपर गिर गया, फुंदी उंदी उड़ती रहती, वो गिर गई और दीपक बुझ गया, इसमें काय का अनर्थ होगा भाई? इसमें किसी प्रकार का कोई भी अनर्थ नहीं होता है, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी अशुभ नहीं होता है। इसमें आपने यदि ये सोचा कि भाई आप हर दिन उसमें मान लो जैसे दो चम्मच या तीन चम्मच घी डालते हैं, लेकिन आज आपने तीन चम्मच घी डाला और आपने सोचा कि ठीक, हम जितनी माला का जाप करते उतनी माला हम तीन चम्मच में हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि उस दिन जो है आपकी लौ जो है कुछ ज़्यादा तेज जल रही हो, तो वो उसके पहले बुझ गई और आपको ध्यान नहीं रहा। तो यदि अचानक बुझ गई, या अचानक हवा का झोंका आ गया और बुझ गई, या अचानक आपने मान लो कोई हाथ लग गया और आपसे मतलब वो दीपक गिर गया और कहीं आग लग गई, तो इससे किसी प्रकार की कोई अशुभता नहीं होती है। अशुभता कौन सी होती है? हमारे मन का भय। हमारे मन में एक प्रकार का भय समा जाता है कि ऐसा करने से शायद ये हमारी पूजा जो है वो अधूरी रह गई, या माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए शायद हमारा घी का ये जो भी दीपक हमने जलाया वो बुझ गया। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं, लोगों को भय दिखाने के लिए है। इसलिए इस प्रकार की किसी भी भ्रांति में आपको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। जब आप आरती कर रहे हैं तो सावधानी आप बरतें, छोटे से बच्चों को जो है आरती करने के लिए ना दें। कई बार होता है भावुकता, बस हम छोटे से बच्चे रहते हैं, हमारे नाती पोते उनके लिए जो है हम दे देते हैं आरती करने के लिए, उनको आइडिया तो रहता है, बहुत जल्दी जल्दी घुमा देते हैं और दीपक बुझ जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि गलती से दीपक बुझ भी गया तो आप उसको दोबारा जला दें, उससे किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटती है। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना चाहिए। कपड़े दीपक के पास में किसी प्रकार के, इस प्रकार के भगवान कपड़े आदि नहीं होने चाहिए दीपक के पास में हो, ताकि उनमें कहीं आग लग जाए, तो वो एक सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि इस प्रकार से कोई घटना घट जाती है तो उसको कभी भी अपने मन में भय लेकर के नहीं आना चाहिए, क्योंकि भय का ही भूत होता है। और आपके अंदर यदि भय आ गया कि भाई हमारा दीपक बुझ गया, आप निराश हो गए और आप जो है फिर उस तरीके से पूजन नहीं कर पाएंगे। और आपके अंदर आपने किसी से फोन से पूछा, आपने किसी पंडित से, और उसने बोल दिया भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, वह बड़ा अनर्थ हो गया, देवी आपसे रुष्ट हो गई, आपने पूजा ठीक से नहीं की, आपने फलाना कर दिया, आपने ठिकाना कर दिया, तो फिर आपका जो है पूरा बाकी के दिन जो है वो आपके पूरे बेकार चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन भ्रांतियों में कभी भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो कुछ हम आप बताते हैं हम आपको, वो सब हमने अपने जीवन में अपनाया और हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उसके बाद ही आपके लिए परोस रहे हैं। अन्यथा हमारे जीवन में यदि कुछ घटा होता, हमने इतने अनुष्ठान किए, कई बार दीपक बुझा है, आरती करते समय कई बार ऐसा हुआ काफ़ी देर तक बैठे रहे और उसके बाद जब उसको आरती के लिए जो है थाली को उठाने लगे, अचानक हाथ से आरती की थाली छूट गई, दीपक गिर गया, बुझ गई दीपक की बाती, कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको दीपक में दूसरा घी डाला, बाती डाली और फिर से जला दिया। या कई बार ऐसा होता है जब हम साधना करते हैं, कोई भी जो लोग साधना करते हैं और अचानक यदि उनका ध्यान लग गया और बाद में जब उन्होंने आँख खोली तो देखा दीपक बुझ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बंधु। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन हमारे साथ तो माँ गायत्री कृपा से कभी इस प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जो लोग बताते हैं। इसलिए आप लोगों को हम इन सब चीज़ों से आपको आगाह करना चाहते हैं कि इस प्रकार की भ्रांतियों में और इस प्रकार के बहकावों में आपको
नहीं आना चाहिए। कई लोग पहली बार गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन भावनावश लोगों को देख लेते हुए अखंड दीपक जलाने से बड़ी मन्नत मिलती है, अखंड दीपक जलाने से किसी कोई मन्नत तन्नत पूरी नहीं होती है, समझे नहीं। अब अखंड दीपक जलाने के आचार्य जी, भाई अखंड दीपक आप जलाएंगे 9 दिन तक आपके घर में अखंड दीपक जलेगा, गर्मी पड़ने लगी है, पंखा आपने चालू कर दिया अचानक और यदि दीपक आपका बुझ गया तो रात भर आपको उसकी देखरेख करना पड़ेगी। तो जहाँ अखंड दीपक जलता है वहाँ आपको पूरी देखरेख करना पड़ती है। तो यदि आपके पास में उतना समय है तो फिर आप अखंड दीपक जला सकते हैं, लेकिन यदि आपने अखंड दीपक जलाया और दुर्भाग्यवश यदि मान लो वो बुझ गया तो फिर आपके अंदर कई प्रकार की भ्रांतियाँ पैदा हो जाएंगी। तो अभी आपकी साधना आप पहले चरण में है तो आपको इस प्रकार के अभी जो है कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, अखंड दीपक वगैरह इस समय आपको नहीं जलाना चाहिए। जब धीरे धीरे आपकी साधना परिपक्व होगी उसके बाद आप उसको करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी, लेकिन एक ही साथ आप सारे के सारे काम एक साथ करेंगे कि अनुष्ठान भी कर लें, अखंड दीपक भी जला लें, उपास भी रह लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, दुनिया भर के सारे काम एक ही बार में कर लें और गायत्री माता तुरंत हमको जो है 9 दिन के बाद में सामने खड़ी हो जाएगी और बोलेगी बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है कि गायत्री माता आपके पास में तुरंत आ जाए, ऐसा नहीं होता। बंधुओं, भगवान इतना सस्ता नहीं होता है, भगवान आपके भाव का भूखा होता है। और फिर भी यदि मान लो आपके मन में कोई संदेह आ जाता है कि भाई दीपक बुझ गया, तो उस दिन आप एक माला गायत्री मंत्र का आप ज़्यादा जाप कर लें तो फिर किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति आपके मन में नहीं रहेगी। या आप आरती कर रहे हैं, दीपक बुझ गया या आरती की थाली आपके हाथ से छूट गई या कहीं आग लग गई अचानक, तो आप एक माला गायत्री मंत्र का आप अलग से जाप कर लें तो किसी प्रकार का कोई भी दोष फिर नहीं रहता है। यदि आपके मन में है तो दोष तो होते ही नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रकार का डाउट है तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की भ्रांतियों से आपको सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार की भ्रांतियाँ दिमाग में नहीं पालना चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि सावधानियाँ आपको जरूर बरतना चाहिए, बाती आपको ठीक रखनी चाहिए, घी की मात्रा उसमें बराबर होना चाहिए, आपको समय का पता है कि हमको 2 घंटा लग रहा है कि 3 घंटा लग रहा है, उस हिसाब से आपको उसमें घी डालना चाहिए। और आरती करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि छोटे बच्चे आदि को आपको आरती इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। दूसरा, कूलर या पंखे आपके कमरे में है, पूजा स्थली पे है, तो उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। घर के लोगों को पहले से हिदायत दे देनी चाहिए कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, अचानक आ करके आप जो है पंखे या कूलर को चालू ना करें। और दीपक को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर उसकी हवा से, आजकल ढक्कन वाले भी दीपक आते हैं तो उनको भी आप ढक्कन लगा कर रख सकते हैं, तो फिर वो पंखा चलता भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा है आपको ये जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं, लोग बार बार हमें फ़ोन करके पूछना चाह रहे हैं, तो हम ये वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आपके शंकाओं का समाधान हो गया होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी प्रकार से कोई यदि इस प्रकार से दीपक बुझ जाता है तो उसे कभी भी गलत तरीके से आपको नहीं लेना चाहिए। तो आपका दिन मंगलमय हो, आपकी नवरात्रि बहुत अच्छे तरीके से जाए, यही माँ गायत्री से हम कामना करते हैं। और आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार देते रहें। हमें आगे बढ़ें, नमस्कार। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, पति पत्नी में आपसी मतभेद है, तलाक की स्थिति आ गई है, प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी जा रही है, परिवार को लेकर के परेशान है, संतान को लेकर के परेशान है, संतान नहीं हो रही है, यदि हो गई है तो वो आपकी बात नहीं मानती है, कई प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, इस समस्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का हमारा तरीका है कि हमारे जो दोनों नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, इसमें आपको अपनी जन्म कुंडली आपको भेजना पड़ेगी, यानी आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय एएम है या पीएम है और जन्म स्थान। जन्म स्थान यदि छोटा है तो वहाँ का आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस भेजें। उसके पश्चात में हम अपना यहाँ से अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजेंगे, जो कि हमारी परामर्श शुल्क है 1100 रुपया एक कुंडली देखने का, वह आपको पहले जमा करना पड़ेगी। उसके पश्चात हम आपको समय देंगे, उस समय पर आप हमसे अपने जीवन की जुड़ी हुई समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं।
उस कुंडली के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़ी समस्त समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे और छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो संपूर्ण यदि आप अपने भाग्य को जानना चाहते हैं, संपूर्ण आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है, तो आप हमसे तुरंत अपना जो है मोबाइल उठाएं, व्हाट्सएप पर अपनी जो है डिटेल भेजें और उसके पश्चात हमारी जो परामर्श शुल्क है 1100 रुपये आप उसको जमा करें। उसके पश्चात हम आपसे के जीवन में जुड़ी हुई हरेक समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे और छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज हमारा 3100 रुपया है जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो उसके लिए यदि आपको कुंडली बनवाना है तो इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं, ये देखिए इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा निकलता है 10-15 पन्ने जिसमें अंक ज्योतिष भी रहता है। इसके पश्चात इसकी विशेषता यह है कि ये हम जो है लिख करके देते हैं पूरे नवग्रह का, पूरा ये जो 9 ग्रह हैं उनके बारे में पूरी विवरण जो है हम अपने हाथों से लिख करके देते हैं कि कौन सा ग्रह आपका जो है कहाँ पर बैठा हुआ है और क्या फल वो आपके लिए देने वाला है। आपके यदि बच्चे की कुंडली बनवाना चाह रहे हैं तो उसके कैरियर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसके कैरियर का आपको कौन सा चयन करना चाहिए, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उसके जीवन में जो भी समस्या आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको जो है पूरा विवरण आपको मिलेगा। इसका चार्ज 3100 रुपये है जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपनी, अपने बच्चों की, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आप कुंडली बनवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारा संपर्क करने का हमने आपको तरीका बता दिया। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। छोटी छोटी कोई समस्या हो, गृह प्रवेश कब करना है, मुंडन संस्कार आदि कब करना, छोटी छोटी कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जब भी हमें अवकाश मिलेगा हम निःशुल्क उसकी आपके लिए जानकारी दे देंगे। लेकिन यदि आपको अपना जन्मांक दिखाना है तो फिर आपके लिए जो है हमारी परामर्श शुल्क जमा करना पड़ेगी। आशा है मित्रों आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे और हमें इसका एक बार अवसर जरूर देंगे। नमस्कार।